दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों हमारे पास में है जो भारत भ्रमण कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कहाँ से आए हैं और कितनी दूरी की यात्रा कर रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा बोले जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई नाला से जिला। अच्छा, मुंबई के रहने वाले हैं। अभी कहाँ से आ रहे हैं? केदारनाथ, तुलनाथ बाबा और बद्रीनाथ के दर्शन करके आ रहा हूँ। अच्छा, बद्रीनाथ के दर्शन जी। मुंबई से मतलब वहाँ तक, बद्रीनाथ तक आप साइकिल पे ही सफर कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम साइकिल के ये देखिए, ये भोले जी जो है जल भी लेकर आए हैं, ये इनका सामान है आप देख सकते हैं। और ये मुंबई से चले हैं नाला सोपारा से केदारनाथ धाम यात्रा साइकिल पर। तो नाम क्या आ जी आपका? सुमित हरिराम यादव। सुमित हरिराम यादव। गाँव कौन सा है? नाला सोपारा। अच्छा, नाला सोपारा गांव है मुंबई के पास में ही। मुंबई में। अच्छा, मुंबई में ही है, खास मुंबई के रहने वाले हैं। तो ये जो इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं आप, इसका क्या उद्देश्य है जी? आपको मुझे ऐसी इच्छा हो गई कि समझो बाबा ने बुद्धि दी और उन्हें शक्ति दे रहे हैं, बाकी कुछ दे रहे थे इसमें। अच्छा, कितने किलोमीटर की यात्रा है आपकी? अभी 3000 के आसपास हो गई है। 3000 किलोमीटर चल चुके हैं मुंबई से यहाँ तक आने तक, दर्शन करके रिटर्न लौट के यहाँ तक आने तक 3000 हो चुका है अभी। और चलता मतलब से। अच्छा, मतलब कितने दिन की यात्रा का उद्देश्य लेकर चले? मेरा सावन महीने 2 महीने का था। अच्छा। इस वजह से मेरे को 2 महीना बाबा को देना था चरा उनके चरणों में, बस यही मेरी इच्छा थी, बाकी कुछ मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है भक्ति। 3000 किलोमीटर अभी चल चुके हैं भोले। अब ये देखिए क्या कहेंगे आप। तो भोले जी, इससे पहले भी आपने जो है इस तरह की यात्रा की है? अच्छा, पहले की है। ऐसा कैसे मन में आ गया कि इतनी दूर की यात्रा करनी चाहिए? बस मेरा इससे इच्छा हो गया, इच्छा मतलब हो गई क्या, अभी भोलेनाथ ने इसे बुला लिया मेरे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, शायद मेरे को भी ऐसा अभी सपना लग रहा है कि मैं 3000 किलोमीटर चल के इतना दर्शन करके यहाँ तक। अच्छा, थोड़ा छाँव में खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो गए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, अभी भी सपना ही लग रहा है। अच्छा, अभी भी सपना ही लग रहा है। मैं ऐसा कैसा होगा, मैं कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाया। अच्छा, कभी जिंदगी में साइकिल भी नहीं चलाया? 11-12 साल का तब से चलाया, तो उसके बाद से पहली बार मैं 4 व्हीलर का ड्राइवर हूँ। अच्छा अच्छा, और मैंने आज तक लोगों को ही दर्शन कराया, और पहली बार मैं साइकिल से दर्शन कराया। बहुत बढ़िया। तो भोले जी मतलब कितने किलोमीटर चल देते हैं एक दिन में? एक दिन में 100-110 किलोमीटर डेली चल देते हैं। तो पैर में दर्द नहीं होता? पैर तो दिक्कत सूझ रहे हैं आपके? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फिट आएगा। बाबा का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार। नहीं नहीं, प्यार तो हमेशा रहेगा। ये देखो तिरंगा भी लगा रखा है, और भोले ने जो है ये प्लेट है इनकी। और ये गंगा जल कहाँ का है? ये गंगा जल सब जगह से लाया हूँ मैं। देवप्रयाग का गंगा है, और बद्रीनाथ का गंगा है, और अपना हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार सब जगह का मिक्स है। तो भोले जी जैसे इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं आप, तो इसमें खर्चा तो बहुत आ गया होगा। खर्चा क्या है, सब बाबा ही कर रहा है, और मेरे कुछ ऐसे बाबा के भक्त हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और किया भी उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। अच्छा अच्छा, जिन लोगों ने मतलब मेरे इंसान को सपोर्ट। अच्छा अच्छा, नहीं तो ऐसे ही अब मतलब रात में कहाँ पे सोते हो? रात में ढाबे वगैरह पे सो जाता हूँ, खाना खाते हो, चटाई वगैरह। अच्छा, दिन में चलाते हो या रात को चलते हो? अच्छा, रात में नहीं चलते, केवल दिन दिन में चलते हैं। सुबह 6 बजे से चलता हूँ, शाम को 7 बजे तक 100-110 किलोमीटर चला के अपना ढाबे पर जाता हूँ। तो रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें का सामना हुआ होगा? मेरे को तो नहीं ऐसा लगा, क्योंकि बाबा ने रिस्क ली थी। अच्छा, इधर से मुंबई से कौन सा रूट पकड़ा आपने, मतलब मेन इंदौर महाकाल भी किया, इंदौर का उज्जैन का महाकाल किया, और इंदौर अपना ब्यावरा, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, अच्छा मुरैना, धौलपुर, आगरा, ये वाला रोड पकड़ा। अच्छा, आगरा, मथुरा, फिर दिल्ली होते हैं? नहीं, दिल्ली में ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर। ग्वालियर से फिर शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, इंदौर। अच्छा अच्छा, तो घर में परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी वाइफ और 3 बच्चे। अच्छा, 3 बच्चे हैं, तो उनको पता है कि आप कहाँ तक आ चुके हैं? कहाँ? अच्छा, डेली बात होती रहती है। तो भोलेनाथ तो आपसे बहुत खुश होंगे, हम भी भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज़ के लिए आपने मतलब इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कर देना, और जहाँ पर भी ये भोले मिले इनकी सेवा जरूर करना। देखते हैं भोले जी, ये सामान क्या क्या है आपके पास में? सामान में कुछ नहीं है, खाली कपड़ा। अच्छा, एक तो रेनकोट है, रेनकोट है, और इसी बैग में नहाता हूँ ना, तो उसके लिए कपड़ा रखा है। अच्छा अच्छा, और इसमें चटाई, ब्लैंकेट और थोड़ा एक आध पैंट वगैरह है। अच्छा अच्छा, और देखिए इनके पास में बस थोड़ा सा सामान है, बिल्कुल गंगा जल है, एक साइकिल है, और ये भोलेनाथ का त्रिशूल है, और तिरंगा झंडा लहर रहा है, देश की शान है, और ये भोले की भक्ति और देशभक्ति दोनों का कर्तव्य निभा रहे हैं। तो एक बार जयकारा जरूर लगा दे, बोल शंकर भगवान की, बाबा केदारनाथ की। तो कुछ कहना चाहोगे देशवासियों के लिए? कुछ नहीं, बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार चाहिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद। ठीक है, प्यार है।
तो फिर आपकी क्या सेवा की? नहीं, यार कुछ नहीं, बहुत ऐसे इतना हंस के बात की मेरे लिए। नहीं नहीं, इनको लस्सी पिला दो। नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं ठीक है दोस्तों, बोले कि कुछ थोड़ी सेवा कर देते हैं। वीडियो को शेयर कर देना और अच्छी लगे तो कमेंट में जय बाबा केदारनाथ जरूर लिख देना। हर हर महादेव।